Hello, welcome back. So this is our next topic, process scheduling. This is very important topic with respect to CPU scheduling and CPU scheduling algorithms. It is important for university exam as well as other competitive exams. So let us start. What is the process scheduling? So let us understand with the basic concept. This is your CPU. CPU is responsible to execute a program. But wo program CPU tak pahuncha kaise? तो सीपीयू में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उससे पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड उसके बाद कुछ प्रोग्राम या कोई ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो दिस प्रीवियस सेक्शन एंड दिस आफ्टर सेक्शन इज मैनेज्ड बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग. सो वॉट इज़ द प्रोसेस शेड्यूलिंग? इट इज़ प्रोसेस of managing multiple processes with respect to their states, resource allocation, initialization, etc. okay, ab ye process scheduling karta kaun hai? There are process schedulers jo is process scheduling ko perform karte hain. Inka kaam kya hota hai ki process ki alag alag stages ko maintain ya manage karte rehna aur cpu tak pahunchana so that wo execute kar sake. theek hai, ab is operation ko perform karne ke liye hame kuch प्री रिक्वेजिट या कुछ डेटा चाहिए. हम जानते हैं हम किसी भी लॉजिक को परफॉर्म करते हैं ऑपरेट करते हैं तो हमें कुछ कंटेंट चाहिए होता है. इन दिस पर्टिकुलर केस वी यूज़ क्यूज. व्हाट आर क्यूज? क्यूज इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो सबसे पहले जो डेटा हमारे पास आएगा सबसे पहले हम उसको प्रोसेस करेंगे. तो हम अगर आइडियली इस फिनोमिना को सोचें तो क्या हो रहा है? हम सबसे पहले अगर मैं अपने सिस्टम में सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना चाहती हूँ तो मैंने व्हाट्सएप पर डबल क्लिक किया. फिर मैं ब्राउज़र ओपन करना चाहती हूँ, मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया. देन कोई पीपीटी ओपन करना चाहती हूँ, एक सीक्वेंस है. मैंने 3 से 4 प्रोसेसेस को इनिशिएट किया. मैंने सिर्फ इनिशिएट किया है, अभी वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर रही है. ये इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन के बीच का डिफरेंसेस हम कैसे मेजर करेंगे? क्यूज़ की हेल्प से. इन क्यूज़ में ही हम उन डेटा स्ट्रक्चर उन डेटा को उन प्रोसेसेस को होल्ड करते हैं और उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में मैनेज्ड फॉर्म में सीपीयू तक पहुँचाते हैं. इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करवा सकती हूँ. ठीक है, दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर. इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यूज़ की हेल्प से हमारे डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकें. ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 तरह की क्यूज़ दिख रही हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू, या जिसको हम लोग डिवाइस क्यू भी कहते हैं. ठीक है, अब इन क्यूज़ का काम क्या है? तो सीपीयू में कोई एग्जीक्यूशन होने वाला है और उससे पहले प्रोसेस को आपको मैनेज करना है. सीपीयू में जो प्रोसेस पहुंचती है दैट इज़ फुली मैनेज्ड, यानी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसको सिर्फ सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस, उसके अलावा उसको कुछ और नहीं चाहिए. तो ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग क्यूज़ का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले क्यू की बात करते हैं विच इज़ जॉब क्यू. तो जैसे अभी मैंने बात करी कि मैंने 3 अलग अलग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको डबल क्लिक किया. डबल क्लिक करके मैंने क्या किया? मैंने ये इंश्योर किया कि मैं उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, अब इस एग्जीक्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए? एक सीक्वेंस चाहिए. दिस जॉब क्यू विल प्रोवाइड अ नियर क्यू. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम एक क्यू मेंटेन करेंगे. इस क्यू में क्या करेंगे? मल्टीपल प्रोसेसेस को जो हमने इनिशिएट करी है उनको एक सीक्वेंस से रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन मैंने किसको पहले इनिशलाइज किया है. यहाँ पे जॉब क्यू मैनेज हो जाएगी. ठीक है, जब हम धीरे धीरे इन प्रोसेसेस को कोई रिसोर्सेज एलोकेट करने लगेंगे, से यहाँ पे कोई पहला प्रोसेस है व्हाट्सएप, मैंने उसको मेमोरी एलोकेट करी, उसको आईओ डिवाइसेस एलोकेट करी एंड नाउ दिस व्हाट्सएप इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट और वो चाहता है कि मुझे बस सीपीयू मिल जाए और मैं एग्जीक्यूट कर लूँ. तो ऐसे में मैंने क्या किया? उसको इस प्रोसेस को व्हाट्सएप को यहाँ पे से कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए और जब उसको वो रिसोर्सेज मिल गए तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया इन द रेडी क्यू. ठीक है, रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेसेस होंगी? वो प्रोसेसेस होंगी जिनके पास रिसोर्स जो इनिशियलाइज हो चुकी हैं और जिनके पास रिसोर्सेज हैं फॉर देयर एग्जीक्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट उन प्रोसेसेस को सीपीयू का टाइम चाहिए. उसको जैसे ही सीपीयू का टाइम मिलता है वो सीपीयू को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पे 2 क्यूज़ में मैंने क्या किया? इनिशियलाइजेशन किया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया? उसको रिसोर्सेज एलोकेट करके उनको यहाँ पे सेव किया. ये दिस इज़ बिफोर पोर्शन. आफ्टर द एग्जीक्यूशन सीपीयू में जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी हैं. या तो वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, इट इज़ सिंपली एग्जिटेड. सेकेंड केस इज उसको फर्दर कोई रिसोर्स चाहिए. अगर उसे फर्दर कोई रिसोर्स चाहिए तो उसको हम रेडी क्यू में वापस नहीं भेज सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? उसको
एक अलग क्यू में मेंटेन करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज आईओ वेटिंग क्यू. आईओ वेटिंग का मतलब सिंपल समझ में आता है, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज के लिए आप वेट कर रहे हैं, इसलिए आप एक क्यू में ऐड हो जाएंगे. यहाँ पे हम उस क्यू में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऐड करते हैं और जैसे उसे रिसोर्स मिल जाता है हम उसे वापस रेडी क्यू में फिक्स करते हैं फॉर इट्स पर्टिकुलर टर्न. तो तीन क्यूज क्या कर रही हैं, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह के प्रोसेसेस को क्यूज के फॉर्म में स्टोर कर रही हैं ताकि हम उसको ज़्यादा बेहतर तरह से मैनेज या मेंटेन कर सकें. ठीक है, दिस इज सिंपली प्रोसेस मैनेजमेंट. यहाँ पे प्रोसेस पूरी तरह से मैनेज हो गई है बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन एज वेल, आफ्टर या पार्शियल एग्जीक्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट इज शेड्यूलर्स. अभी मैंने बात करी थी ये जो पूरा प्रोसेस शेड्यूलिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये जो पूरा चीज़ हो रही है, इन सब चीज़ों को हम लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहा है इसको, इनको शेड्यूलर्स परफॉर्म कर रहे हैं. अब ये शेड्यूलर्स कितने तरह के हैं, तीन तरह के शेड्यूलर्स हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म. इसको मैं बहुत एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स आर वॉट शेड्यूलर्स जो जॉब क्यू और रेडी क्यू के बीच में वर्क करते हैं. ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया जो जिनका काम क्या होगा, जॉब क्यू से प्रोसेसेस को रेडी क्यू में ट्रांसफ़र करना. ऐसे शेड्यूलर्स क्या हैं आपके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स हैं. ठीक है, देन वी हैव शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स का काम क्या है, रेडी क्यू से प्रोसेसेस को सीपीयू में ट्रांसफ़र करना. तो दे विल एक्ट समवेयर इन बिटवीन रेडी क्यू एंड सीपीयू. ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स. देन वी हैव अ मीडियम टर्म शेड्यूलर्स जिनका काम क्या होता है, इधर वेटिंग क्यू से रेडी क्यू के बीच में ट्रांसफ़र करना. तो इधर क्या होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में वी हैव अ मीडियम टर्म शेड्यूलर्स. इन सब का डिफरेंस हम बहुत क्लियरली इस पर्टिकुलर चार्ट में समझ सकते हैं जहाँ पे हमने तीनों के डिफरेंसेस को क्लियरली मेंशन किया है. तो जॉब शेड्यूलर्स या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स जो जॉब्स को या हमारे प्रोग्राम्स को जॉब क्यू से रेडी क्यू में ट्रांसफ़र करते हैं. देन वी हैव अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स जिनको हम सरल भाषा में सीपीयू शेड्यूलर्स भी कहते हैं, जिनका काम हम सीपीयू एल्गोरिथम्स की हेल्प से इंप्लीमेंट करवाते हैं. देन वी हैव अ मीडियम टर्म शेड्यूलर्स जिनको हम स्वैपिंग शेड्यूलर्स भी कहते हैं बिकॉज दे स्वैप बिटवीन डिवाइस क्यूज एंड रेडी क्यूज. ठीक है, देन वॉट इज़ अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, बेसिकली क्या करता है, इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. वॉट इज़ अ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, बेसिकली आप एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एंटरटेन कर सकते हैं इज़ अ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो जितना आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जितना इफेक्टिवली वर्क करेगा उतना बेहतर आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगा. यानी बेसिकली अगर मैं इनिशियली पाँच प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर रही हूँ और मेरा शेड्यूलर उन पाँचों को एंटरटेन करने में केपेबल है, देन मेरा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ वेरी गुड. ठीक है, अगर यही चीज़ कम हो जाएगी, अगर मैं पाँच इनिशिएट कर रही हूँ पर मेरा शेड्यूलर सिर्फ तीन को इनिशिएट कर सकता है, देन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ लो. तो कंट्रोल कौन कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स क्या करते हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं बट इससे थोड़ा सा कम. इसका कंट्रोल कैसे होता है, इसको जो भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में मिलेंगी ये सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट कर सकता है. तो जितनी ज़्यादा मिलेंगी ये भी उतनी ज़्यादा कर पाएगा. तो इसका डिपेंडेबिलिटी किसके तरफ है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स की तरफ. ठीक है, वेयर इज मीडियम टर्म शेड्यूलर्स क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. रिड्यूस कैसे करते हैं, बिकॉज वो टास्क को डिले करते हैं. जितने ज़्यादा आपके टास्क वेटिंग क्यू में होंगे उनको आपको दोबारा मैनेज करके फिर रेडी क्यू में डालना पड़ेगा और फिर उनको सीपीयू शेड्यूलर्स की हेल्प से फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. इट इज़ अ लेंदी टास्क. तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी स्पीड को हॉल्ट कर रहे हैं. तो अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को सरल भाषा में समझें, इट इज़ बेसिकली स्पीड कैसे कंट्रोल करोगे. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या करते हैं, मेजरली कंट्रोल करते हैं, शॉर्ट टर्म उनसे कम एंड देन मीडियम टर्म रिड्यूस करते हैं. ठीक है, ओके. देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स आर ऑलमोस्ट एबसेंट और मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम. तो जो हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम पढ़ा था, अदरवाइज आप रेफर कर सकते हैं मेरी वीडियो को. टाइम शेयरिंग सिस्टम में हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स की बिल्कुल एबसेंस या मिनिमल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली स्विचिंग. वेरस उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या कर रहा होगा आपका, मीडियम टर्म शेड्यूलर, क्योंकि वो स्विचिंग करने में माहिर है. अभी हम देखेंगे, देखा हमने कि डिवाइस क्यू से रेडी क्यू में फटाफट स्विच हो रहा है, तो उस समय मीडियम शेड्यूलर जो है उसी के फिनोमेना पे काम करते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज इट सिलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी. यानी मैंने पूरा बता दिया, दीज थ्री आर फंक्शंस कैसे काम करते हो. ये पूल से किसी प्रोसेस को लेके आते हैं, ये उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर, कोई एब्सेंस ऑफ रिसोर्स होता है तो उसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं.
सो दिस वॉज इट. आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा. प्लीज़ कोई डाउट हो तो पूछें. थैंक यू.